पब्लिक प्लेस पर मोबाइल फोन चार्ज करना बेहद खतरनाक हो सकता है। कई लोगों के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाले जा चुके हैं। दरअसल इन दिनों ठग जूस जैकिंग के जरिए लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं। जूस जैकिंग असल में ये एक तरह का साइबर या फिर वायरस अटैक होता है। इसमें क्रिमिनल पब्लिक प्लेस जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या मॉल में इस्तेमाल होने वाले यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के जरिए किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या दूसरे डिवाइस में मॉलवेयर इंस्टॉल करके पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में एक कंपनी के सीईओ किसी पब्लिक प्लेस पर अपना मोबाइल यूएसबी पोर्ट के जरिए चार्ज कर रहे थे। इसके बाद उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। दिल्ली में भी पिछले महीने एक महिला ने शिकायत करके बताया था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद यूएसबी चार्जिंग स्टेशन पर वो फोन चार्ज कर रही थी। इस दौरान उनके पास एक मैसेज आया, उसके खाते से 1,20,000 रुपए निकाल लिए गए। अब इसे लेकर सरकार ने लोगों को सावधान भी किया है। चलिए आपको बताते हैं ये कितना खतरनाक है और इससे बचाव का तरीका क्या है। जूस जैकिंग का सीधा मतलब है कि जब सार्वजनिक जगहों पर अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसी पोर्ट के जरिए मोबाइल फोन पर साइबर अटैक होता है। ये काम दो तरह से हो सकता है, या तो पावर केबल से या फिर डेटा केबल से। दोनों केबल मोबाइल फोन पर आफत बनकर टूट सकते हैं अगर किसी पब्लिक प्लेस पर फोन चार्जिंग में लगाया जाए। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि कैफे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट पर जहां चार्जिंग पोर्ट खाली दिखता है मोबाइल चार्ज में लगा देते हैं। आपका मोबाइल तो चार्ज होता है लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस दरमियान आपके फोन पर मैलवेयर का साइबर अटैक हो सकता है। इस तरह की साइबर वारदात यूएसबी चार्जिंग पोर्ट से शुरू होती है जो कि सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाते हैं। ऐसे ऑनलाइन अपराध को जूस जैकिंग कहा जाता है। इससे बचाव का सबसे पहला तरीका तो यही है कि पब्लिक प्लेस पर मौजूद यूएसबी चार्जिंग पोर्ट को इस्तेमाल न करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर मजबूरी में आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके यहाँ फोन चार्ज करें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।